ओम गम गणपतये नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। मुंबई यूनिवर्सिटी यानी मुंबई विद्यापीठ का संस्कृत विभाग आज हीरक महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं संस्कृत विभाग की देदीप्यमान नक्षत्र जैसी विदुषियों को प्रणाम करता हूँ, उनकी विद्वत्ता को मैं साधुवाद देता हूँ और वे जिस उत्साह से संस्कृत विभाग चला रही है उनकी सराहना समग्र राष्ट्र करता है। गौरी माहुलीकर जी हो, माधवी जी हो, मृणालिनी जी हो, सुचित्रा जी हो या शकुंतला जी हो, इन सभी विदुषियों को मैंने अनेक राष्ट्रीय सेमिनार में उनके व्याख्यान सुने हैं और मैं 3 बार संस्कृत विद्यापीठ की मुलाकात मैंने ली है, मेरे व्याख्यान भी मैंने दिए हैं। तो मैं वहाँ की जो एक विद्वत्तापूर्ण जो उनकी व्यवस्था है उनसे मैं प्रभावित हूँ। छात्रों की उपस्थिति हर व्याख्यान में नोंदपात्र होती है और वे लोग राष्ट्रीय सेमिनारों में अपना प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो ये सभी समग्र राष्ट्र के जो संस्कृत प्रेमी है उनके लिए बड़े आदर पात्र चीज है। और खास करके आधुनिक संस्कृत का महत्व मुंबई यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग ने कई समय से समझा है और आधुनिक संस्कृत को उन्होंने अपने अभ्यासक्रम में स्थान दिया है, यह सराहनीय है। तो आज जब हम बौद्धिक परंपरा का विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि संस्कृत विभाग मुंबई यूनिवर्सिटी का वो एक अपने आप मिसाल है और उनकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। मैं साधुवाद देता हूँ, वर्धापना देता हूँ वहाँ के छात्रों को और सभी विदुषियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।